नमस्कार दर्शकों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। जी हां, आज प्रधानमंत्री मोदी जी पंजाब के आनंदपुर साहब में 350वें प्रकाश दिहाड़ा समागम में पहुंचे, जहां उन्होंने अपने विचार सभी के साथ साझा किए। तो आइए आपको भी लेकर चलते हैं पंजाब के आनंदपुर साहब में। श्रीमान प्रकाश सिंह जी बादल, उप मुख्यमंत्री श्रीमान सुखबीर जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमती हरसिमरत जी, श्रीमान विजय सांपला जी, पंजाब सरकार के मंत्री श्रीमान मदन मोहन जी, सांसद में मेरे साथी प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी, सांसद श्रीमान ढींडसा जी, सिख गुरुद्वारा प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्रीमान के एस बंडूगर जी और विशाल संख्या में पधारे हुए सभी प्यारे भाइयों और बहनों, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की कर्मभूमि अते खालसे दी जन्मभूमि से आनंदपुर साहिब विखे हो रहे इस कार्यक्रम बीच आइया सारिया सात संगतानू फतेह अर्ज करता हां। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 350वें प्रकाश उत्सव को पूरा देश मना रहा है। भारत सरकार ने भी गुरु गोविंद सिंह जी का महाराज का संदेश हमारी नई पीढ़ी को पहुंचे, देश के कोने में पहुंचे, इस बात पर बल देते हुए पूरे देश में सरकार की तरफ से भी 350वां प्रकाश पर्व मनाने का तय किया है। आने वाले दिनों में पटना साहब में भी बहुत बड़ी संगत होने वाली है और भारत सरकार ने जो भी इस प्रकाश पर्व के लिए पटना साहब जाना चाहते हैं, रेलवे की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की है, ताकि हर कोई जो जाना चाहता है आसानी से वहां पहुंच सके। भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य रहा कि पंजाब की धरती पर कई वर्षों तक मुझे काम करने का अवसर मिला था और उसके कारण आनंदपुर साहब की इस पवित्र धरती पर आकर के मत्था टेकने का मुझे बार बार अवसर मिलता था। मेरा यह भी सौभाग्य है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी यहां आए थे, उस समय मुझे भी उनके साथ संगत में शरीक होने का सौभाग्य मिला था। प्रधानमंत्री बनने के बाद आज पहली बार और एक पवित्र प्रकाश पर्व के समय इस पवित्र धरती को नमन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। ये वो धरती है जहां 28 साल तक गुरु गोविंद सिंह जी ने त्याग, बलिदान, तपस्या, वीरता, पूरे समाज को खड़ा करने का एक भगीरथ प्रयास किया था। मेरा इस धरती से नाता, मैं हमेशा कहता हूं, मेरा यहां खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता इसलिए है
कि मेरा जन्म गुजरात की धरती पर हुआ, कार्य करने का सौभाग्य यहां मिला, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के जो पंज प्यारे थे उसमें एक गुजरात के द्वारिका से थे। और इसलिए, और जैसा अभी बादल साहब बता रहे थे, देश की एकता एक गुरु गोविंद सिंह महाराज के मन में प्राथमिकता थी। और इसलिए पंज प्यारे भी हिंदुस्तान की चारों दिशाओं से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उसमें एक गुजरात से थे। और इसलिए मुझे स्वाभाविक अनुभव होता है, अनुभूति होती है कि मेरा कोई खून का रिश्ता है। और ऐसे समय इस महान बलिदानी परंपरा को प्रणाम करने का, नमन करने का सौभाग्य मिले, तब देश में भी जात पात के खिलाफ उस जमाने में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सबकी एकता के लिए प्रखर रहते थे। ऊंच नीच का विरोध करना, पंथा पंथ का विरोध करना, सबको एक साथ चलने का, मानस को मानस के रूप में मानने का, ये महान परंपरा उन्होंने जी करके दिखाई थी। उस कालखंड को देखें, पूरा परिवार बलिदान, ऐसा वंशदानी शायद इतिहास के जरोखे में कहीं नजर आ सकता है, जो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने जीवन से करके दिखाया था। और उस कालखंड को देखें, एक तरफ भयंकर क्रूरता थी, जुल्म थे, अत्याचार थे, गुरु गोविंद सिंह महाराज का मार्ग एक तरफ क्रूरता तो दूसरी तरफ वीरता का था। उन्होंने वीरता का मार्ग लिया, जन सामान्य में वीरता पैदा करने का प्रयास किया, क्रूरता का मुकाबला क्रूरता से नहीं, क्रूरता का मुकाबला वीरता से करने का संदेश गुरु गोविंद सिंह महाराज ने दिया। आज जब देश की एकता, अखंडता, शांति, एकता, सद्भाव, इस मंत्र को हमें जीना भी है और नई पीढ़ी को जीने के लिए प्रेरित भी करना है। बिखराव करने वाले लोगों की संख्या कम नहीं होती, लेकिन एकता करने वालों का ताकत भी अनेक गुना होता है। ये महान परंपरा हमें एकता का मार्ग दिखाती है, सद्भावना का मार्ग दिखाती है, सेवा का रास्ता बताती है। अगर त्याग है, बलिदान है, तो सेवा भी उच्च कोटि की है। ऐसी इस महान परंपरा के समय 350 वर्ष हुए प्रकाश पर्व के निमित्त गुरु गोविंद सिंह महाराज के चरणों में वंदन करता हूं, उनके त्याग बलिदान को नमन करता हूं। और पूरा देश, आने वाली पीढ़ियां इन महापुरुषों के वचनों को जाने, समझे, जीने का प्रयास करें, इसके लिए इस प्रकाश पर्व हमें नित्य निरंतर प्रकाश देता रहे, इसी एक प्रार्थना के साथ मुझे संगत के बीच आने का अवसर मिला। गुरु ग्रंथ साहब का सामने मत्था टेकने का सौभाग्य मिला। आप सब ने मेरा स्वागत सम्मान किया, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਸਖਸ਼ੀਤਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਡੀਸੀਆਰ ਨਿਊਜ਼ ਕੇ ਲੀਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਅਜੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।